अब बेटियों की चिताएं शमशान में नहीं मिलती, ना ही उनकी कब्रें कब्रिस्तान में नजर आती हैं जी, क्योंकि माँ का घर खुद कब्रिस्तान हो गया। जहाँ जिंदगी बेकफन दफन हो जाती है, आंखें खोलने से पहले ही बेटी कब्र में नहीं माँ के पेट में सो जाती है, ये खबर अखबार में नहीं आती। कोरोना काल के लंबे विकट परिस्थिति के बाद गिरिडीह शहर में फिर कविता के माध्यम से जीवन में हलचल संचार हुई। पार्श्वनाथ महोत्सव कवि सम्मेलन का आयोजन पार्श्व अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय चैरिटेबल ट्रस्ट गिरिडीह के द्वारा किया गया। तुमने क्या इस जीवन में जी, तुमने क्या इस जीवन में इतिहास बदलते देखा है, तुमने क्या इस जीवन में इतिहास बदलते देखा है, मैंने तो इन खंडों को भी आग बदलते। एडवांस लर्निंग पब्लिक स्कूल सीतलपुर में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि गिरिडीह कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष बल्लभद्र थे। इसके अलावा शहर के नामचीन कवि और रचनाकार शंकर पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। विशाल पंडित के द्वारा गाई गई कविता दिल में हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखना है, पटेल और सुभाष का संवाद लिखना है के ओर से पूरा सभागार गूंज उठा। चार पंक्तियों से मैं अपनी बात रखता हूँ और एचबीएन वालों, सुरेश भैया, अमन भैया और हमारे बीच आए हिंदी के अध्यापक, उनको भी समर्पित करता हूं और देश के सेनानियों को भी समर्पित करता हूं कि दिल में हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखना है, दिल में हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखना है, पटेल और सुभाष का संवाद लिखना है, पटेल और सुभाष का संवाद लिखना है। ए मालिक मेरी जिंदगी को आबाद कर दे, ए मालिक मेरी जिंदगी को आबाद कर दे। अब अपनी कलम से सुभाष और अब अपनी कलम से खुद को आजाद लिखना है, अब अपनी कलम से खुद को आजाद लिखना है। और जैसा कि समय सीमा को देखते हुए मैं उन भारतीय के सपूतों को याद करता हूं जिन्हें हम भूल जाते हैं। एसपीएन वाले, सुरेश भैया और कई तमाम श्रोता कवि जो आए हैं और अध्यक्षता मंडली में जो शामिल हैं, उन सभी को समर्पित करता हूं और मां भारती, मां भवानी को समर्पित करता हूं उनके सम्मान में। है भारत के वीर सपूतों, है भारत के वीर सपूतों, मैं पटेल का बेटा हूं, मैं पटेल का बेटा हूं, तेरे बलिदानों की स्मृति में, तेरे बलिदानों की स्मृति में शीश काट रख देता हूं, शीश काट रख देता हूं। आपको याद होगा वो कश्मीर वाली घटना, कश्मीर की दुर्गम घाटी, कश्मीर की दुर्गम घाटी हो या राजस्थान की माटी, या राजस्थान की माटी, कभी नहीं तू मुड़ना पीछे, धाम सॉरी की परिपाटी, धाम सॉरी की परिपाटी। और कारगिल की बात करता हूं मैं तो कारगिल हो या डोकलाम, कारगिल हो या डोकलाम, या सन 1971 की बात, या सन 1971 की बात, कभी नहीं तू रखना, कभी नहीं तुम मुड़ना पीछे, कभी नहीं तुम मुड़ना पीछे, शत्रु वक्ष पे रखना लात, शत्रु वक्ष पे रखना लात। और चार पंक्तियों में दम दीजिएगा दादा। है भारत के वीर सपूत, है भारत के वीर सपूतों, हस्ती तेरी आबाद रहे, हस्ती तेरी आबाद रहे, तेरे मजबूत इरादों से, तेरे मजबूत इरादों से। अंत की पंक्तियां देखिएगा, भारत ये जिंदाबाद रहे, भारत ये जिंदाबाद रहे। बहुत बहुत सिकंदरा सौम्या और अन्य कवियों की कविता सुनकर लोगों ने इस कवि सम्मेलन के आयोजन हेतु ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया। एचबीएन न्यूज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कुमार रंजन, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो गिरिडीह, और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज, जो सच वही खबर। और मैं यहाँ गिरिडीह ग्रामीण क्षेत्र में मैं आया हुआ हूँ और यहाँ पे लोगों का प्रतिभा छुपा हुआ है। और आइए जानते हैं कि इन लोग सारे कवि सम्मेलन का प्रयोजन कर रहे हैं और इनकी क्या मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिएगा। मैं सुदेश वर्मा हूँ और मैं गृह मंत्रालय अधिकारी हूँ और इस जो कवि सम्मेलन है उसकी परिकल्पना मेरी है। और इसी के साथ साथ ये महोत्सव जो है यह 360 डिग्री में कार्य करती है, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और इन क्षेत्रों में हम काम करते हैं। साथ साथ में इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि यह क्षेत्र, जैसा कि आप देख रहे हो गिरिडीह क्षेत्र है, यह पार्श्वनाथ और महावीर दोनों की धरती है, क्योंकि पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ ने यहाँ को विमान प्राप्त हुआ था 1707 में, और भगवान महावीर को यहाँ पे कैवल मिला था, जो कैवल अरिजू पालिका नदी कहते हैं, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे उनको कैवल प्राप्त हुआ था। अब बता जी, आप लोग ये सम्मेलन कितने दिनों से कर रहे हैं और इसके पीछे जो कवि है यहाँ पे प्रतिभा छिपा हुआ है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यह सम्मेलन जो हमारा संकल्पना है यह 3 सालों से हम कर रहे हैं, और पार्श्वनाथ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ट्रस्ट जो है वह पार्श्वनाथ महोत्सव भी बनाती है, मतलब आयोजित करती है, और इस महोत्सव के जरिए हम क्या करते हैं, जितनी छुपी हुई प्रतिभाएँ हैं उनको, प्रतिभाओं को खोजना, उनको अवार्ड देना, उनको सम्मानित करना, उनके द्वारा उनकी प्रतिभाओं को फंक्शन जो महोत्सव के द्वारा उनको मंच देना, ताकि वो उनकी प्रतिभाओं में निखार आ सके। और दूसरा, इस ट्रस्ट का यह उद्देश्य है, मानवीय कार्यों के लिए कार्य करती है, तो जिनको अगर किसी बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें हैं या आर्थिक सहायता की जरूरत है तो उनको भी सहायता देते हैं। साथ में हमारा ये रहता है कि हम यह महोत्सव जो है शिक्षा, शांति और समृद्धि के लिए समर्पित है, और साथ में जो ये पार्श्वनाथ महोत्सव है यह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा महोत्सव है, तो विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा महोत्सव जो अहिंसा और शांति को समर्पित है। जी, जैसा कि इसी तरह ये बोल रहे थे कि ये छोटे छोटे बच्चे लोग को भी ये सहयोग करते हैं और सभी तरीका से ये चाहते हैं गिरिडीह में जो भी इनका प्रतिभा छिपा हुआ है यहाँ के बच्चे को ये इन इस कवि सम्मेलन के माध्यम से ये लोगों के बीच जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं। जी, पार्श्वनाथ महोत्सव के जरिए हम शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक हम पहुंचते हैं, फिर लोगों तक जानते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको हम समाधान करने की कोशिश करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पार्श्वनाथ महोत्सव का ये कवि सम्मेलन है वो एक छोटा सा सेगमेंट है उसका, और हम बेहतर रूप में जब हम कार्यक्रम करते हैं तो उसमें सभी तरह के पहलुओं को शामिल करते हैं, चाहे बच्चों को प्रतिभा को निखारना हो, यहाँ की लोकल जो प्रतिभाएँ हैं या बड़े जो विश्व या राष्ट्रीय स्तर पर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम सम्मानित करते हैं, इस तरह का एक संकल्पना है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि पार्श्वनाथ महोत्सव, इसके जरिए यहाँ क्यों हम जुड़ रहे हैं आप सोचना चाहेंगे, जिसके पीछे उद्देश्य है कि यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जैसा तक्षशिला था और जैसा नालंदा विश्वविद्यालय था, उस तरह की यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ की जा सके। तो उस तरह की यूनिवर्सिटी स्थापना से क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा उस शिक्षा की जो दर है वो बहुत कम है, तो यहाँ के लोगों को प्लान करना पड़ता है, जबकि आप देखेंगे कि यहाँ एक खनिज संपदा प्रदेश है यार, फिर भी लोगों को प्लान करना पड़ रहा है उस शिक्षा के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, यह एक अच्छी बात नहीं है, इसके कारण शोषण के शिकार होते हैं। तो हमने सोचा कि जब ये पार्श्वनाथ और महावीर की धरती है तो क्यों ना यहाँ पे कुछ ऐसा काम हो जो सदियों तक चलता रहे, इसीलिए हमने पार्श्वनाथ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संकल्पना रखी, जिसका पूरे देश भर से समर्थन मिला। जी, HBN न्यूज चैनल को आप देख रहे हैं, और हम लोग का यही सहयोग है कि हम लोग अच्छा से अच्छा बेहतर काम करें और जनता को हमारे शहर की ओर रूबरू कराएं। जी, धन्यवाद। जी, नमस्कार। HBN न्यूज़ का पुनः आभार कि हम लोगों के बीच आए आप, और इस तरह के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुँचाएंगे, ये हमारे सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नैन कजरारी सपन बन आती है नित नित, मन भी हमेशा कहता मित मित, हर घड़ी अब बस सोचता हूँ उसे, वो कैसी है जो रोज छूती तुम्हें ऐ नदी। इसके बाद जी वो नदी से कुछ सवाल भी करते हैं, कुछ पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तेरी घाटों पे हर रोज आती है वो, अपने दिल की कहानी बताती है वो, क्या कहती है वो जरा हमको बता, क्या मेरी ही चर्चा होती सदा। आए वाह, क्या बात है। मैं अब रोज पढ़ता हूँ उसे, वो कैसी है जो रोज छूती तुम्हें। क्या बात। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे HBN न्यूज।